सबको जय यीशु। इस क्रिसमस के अवसर पर मैं एक छोटा सा कहानी व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कहानी में एक गरीब परिवार है, उसमें माँ, पिता, दादा, दादी और एक बेटी है, उसका नाम एलिना है। इस परिवार में ऐसा गरीबी में बहुत डूबे हुए हैं और उसकी माँ जो एक दुकान है एक मोमबत्ती का, एक क्रिसमस के दिन उसकी माँ सुबह उठ के गिरजाघर चली गई मोमबत्ती बेचने के लिए और उसके बाद वो वापस आए और एलिना को जगाया। उसके बाद एलिना स्कूल के लिए तैयार हो गई। वो उसी रास्तों से जाती है जहाँ पे उस दुकानदारों के छोटे छोटे दुकान हैं और उनको धन्यवाद और स्तुति करती है और वो स्कूल पहुँची। जब छुट्टी से पहले अध्यापिका ने सब बच्चों को कहा सबका नाम एक एक चिट पर लिखने को और उस चिट को अध्यापिका के हाथ में देने को, अध्यापिका ने उस चिट को मिलाकर एक एक बच्चों को दिया और उन बच्चों ने खोला तो सबका नाम अलग अलग था। तब अध्यापिका ने बोला कि तुम्हारे हाथ में जो नाम है उनको तुम क्रिसमस का एक उपहार देना है। एलिना को उसके अच्छे एक दोस्त का नाम मिला मगर वो बहुत खुश हो गई और उसको एक परेशानी था क्योंकि वो उसके पास उतने पैसे नहीं थे एक उपहार खरीदने के लिए और वो उस रास्तों से गुजर रही थी जहाँ पे उस दुकानदार थे और उसको देखकर वो बहुत परेशान लग रही थी। उस दिन उसने स्तुति और प्रणाम नहीं की। जब वो घर पहुँची माँ ने उससे पूछा कि तू इतनी परेशान क्यों है, तब उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद माँ ने फिर से पूछा एलिना तू इतनी परेशान क्यों है, तब उसने बात बताया। माँ ने उससे कहा तुम कल गिरजाघर पहले पहुँचना और प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना करने को। एलिना सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गई और गिरजाघर चली गई। वो आंखें बंद कर कर वैसे ही खड़ी रही। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोला तो उसके सामने एक कटोरी में बहुत सारे उपहार रखे हुए थे। उसने चारों ओर देखा, उधर कोई नहीं था। उधर से गुजरी एक सिस्टर ने उससे बोला कि ये उपहार प्रभु यीशु ने तुम्हारे लिए रखा है। तब उसने पूछा प्रभु यीशु कैसे रख सकते हैं, तब सिस्टर ने बोला कि ये उपहार मैंने इधर रखा है, तुम जो उन दुकानदारों के को स्तुति और प्रणाम करते हो उन्होंने तुम्हारे लिए उपहार इधर रखे हैं। वो उस उपहार को लेकर स्कूल में चली गई और जब अध्यापिका ने बोला कि सब अपने उपहार बांटने को, उसने अपने उपहार अपने अच्छे दोस्त को दिया। इस क्रिसमस के अवसर पर हम भी जो गरीब है और जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं उनको इस क्रिसमस में एक अच्छा सा उपहार हमारे हृदय से उनको दें और हमारे हृदय में उनके लिए एक स्थान बनाएं।